हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आ चुका हूँ, जो कि आई हुई है टाटा मेमोरियल सेंटर यानी टाटा स्मारक केंद्र की तरफ से। आप कह सकते हैं कि टाटा कंपनी के अंदर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपको बता दें, इन जॉब्स के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। आगे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा 7 मई 2024 तक। आपको अलग अलग तरह की 10 से लेकर 15 तरह की पोस्ट वैकेंसियां मिलेंगी। इसके अंदर मेन आपको LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की, सुपरवाइजर की, स्टेनोग्राफर की, ऑफिसर की और भी कई सारी पोस्ट है जिनके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 10th 12th पास आउट हैं तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। आपको बता दें, सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर 78,800 रुपये तक दी जाएगी। आगे कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, जिसके बाद आपको इस वैकेंसी का A to Z डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें, ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स हैं। आप सभी भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है। मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से इन भर्तियों के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पसंद आता है, आपके काम का लगता है, तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। अभी हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं चलेंगे, naukrikhabar.com के ऊपर। आपको पता होगा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी क्लिक करके जा सकते हैं। अभी हम आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन और आवेदन करने का लिंक आपको हमारी ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जो कि वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहें। आइए सीधे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए हम आ चुके हैं डायरेक्ट टाटा मेमोरियल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जॉब वैकेंसी की डिटेल है। अभी यहां पे 17/4/2024 को पोस्ट हुआ है, यानी कि 17 अप्रैल को, और यहां पर जो एंड डेट है वो 7 मई 2024 की है। यहां बोला गया है TMC यानी टाटा मेमोरियल सेंटर इन्वाइट्स अप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पोस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। यानी यहाँ पे कुछ मेडिकल से रिलेटेड पोस्टें हैं और कुछ नॉन मेडिकल रिलेटेड पोस्टें भी हैं। हु आर कीन टू, यहाँ पे बोला गया कैरियर इन TMC फुल टाइम पोजिशंस इन वेरियस डिपार्टमेंट अवेलेबल इन TMC। यानी कि आपको फुल टाइम कैरियर बनाने का मौका मिल रहा है टाटा मेमोरियल सेंटर, या यूं कहें कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर। अभी देख सकते हैं नोटिफिकेशन की डेट यहां पे है 16 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन है। हम आपको डायरेक्ट 1x1 करके पोजीशंस दिखाएंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी पोजीशंस हैं। पहले हम आपको आपके काम की पोजीशंस दिखा देते हैं, यानी कि जो नॉन मेडिकल पोजीशंस हैं, पोस्ट हैं, उनकी डिटेल दे देते हैं। उसके बाद आपको हम मेडिकल रिलेटेड पोस्ट के बारे में भी जानकारी दे देंगे। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोस्टें हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं ताकि आपको यहाँ से समझा सके। देखिए पोस्ट के बाद यहाँ पे कुछ जर्नल कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक मेडिकल पोस्टें मिलेंगी। इसके अंदर आपको प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें मिलती हैं। और इसके बाद यहाँ पर और कुछ जानकारी शेयर की गई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी डेट का आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग आवेदन करने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर रिटर्न एग्जाम है, इंटरव्यू है और स्किल टेस्ट है, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी आपको देखना इम्पोर्टेंट है। SC ST फीमेल कैंडिडेट और जो PWD कैंडिडेट एक्स सर्विस है, उनको एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। बाकी बच्चे कैंडिडेट को 300 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और एकोमेंडेशन वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप पेंशन स्कीम सहित। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और एज के बारे में जानकारी देखिए 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। अभी हम सीधे बात करेंगे पोस्ट के बारे में, ताकि आपके डाउट्स क्लियर रहें।
तो अपनी नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली नंबर जो पोस्ट है 22 नंबर की, यानी 22 पोस्टें यहाँ पर बताई गई हैं। तो पहली पोस्ट है यहाँ पर आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की मिलेंगी, दो ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। यहाँ पे लेवल दो के अंदर सैलरी मिलेगी 19,900, लेवल दो में अलावेंस यहाँ पे मिलेंगे। 27 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल है, हर बार नहीं बताऊँगा। क्वालिफिकेशन आपका 10-12 ग्रेजुएशन होना चाहिए। लोकेशन आप सबका देखेंगे सेम रहेगा। अगली पोस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाली है वो स्टोनोग्राफर की है। यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस और तीन ओबीसी के साथ यहाँ पर दो यूआर की पोस्टें भी हैं। यहाँ पे आपको 25,500 की सैलरी, 27,000 अधिकतम उम्र और यहाँ पर 10-12 के साथ में आपका कुछ टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोजीशन, यहाँ पे लोकेशन दो है, दोनों में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद जो अपनी अगली पोस्ट है वो टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन ए की, और यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। 27 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए, 12th पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, सॉरी ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर टेक्नीशियन ए की पोस्टें मिलेंगी। 10th पास यहाँ पे कंपलसरी है, प्लस आईटीआई और पोस्टिंग वगैरह आप देख सकते हैं। 19,900 की यहाँ पे सैलरी है और 27 साल अधिकतम उम्र है। टेक्नीशियन ए के अंदर आपको यहाँ पर मोलेकुलर पैथोलॉजी की पोस्ट है, एक ओबीसी की वैकेंसी है, 10+2 यहाँ भी 12वीं पास और 27 साल उम्र, 19,900 की वेतन है। टेक्नीशियन ए में हाउसकीपिंग की पोस्ट है, हाउसकीपिंग के लिए यहाँ पे 19,900 का वेतन है, 27 साल अधिकतम उम्र है, क्वालिफिकेशन 12th पास है। इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं तो आपको टेक्नीशियन के अंदर ICU OT की पोस्टें मिलेंगी, एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, 30 साल अधिकतम उम्र है, 12th पास वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। इसके बाद है आपको यहाँ पे किचन सुपरवाइज़र की वैकेंसी मिलेंगी, एक जनरल की पोस्ट है, डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, 35,400 की सैलरी और 30 साल अधिकतम उम्र है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है फीमेल के लिए है, फीमेल नर्स की पोस्टें हैं, 8 जनरल कैटेगरी की, 29 ओबीसी कैटेगरी की, 3 एससी कैटेगरी की, 4 एसटी कैटेगरी की और 11 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्टें हैं। और एक और लोकेशन है गुवाहाटी के अंदर, एक ईडब्ल्यूएस, दो ओएच कैंडिडेट की पोस्टें हैं। 30 साल अधिकतम उम्र, 44,900 का वेतन और जनरल नर्सिंग आपने किया हो। इसके जस्ट बाद एक और वैकेंसी है, यहाँ पे आपको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्टें मिलेंगी, एक ओबीसी के अंदर पोस्ट है, 45 साल अधिकतम उम्र है, एमएससी आपने किया हो, 56,100 रुपये की सैलरी है। अगली जो पोस्ट आपको मिलती है वो साइंटिफिक ऑफिसर की है, इसके अंदर 35 साल अधिकतम उम्र है, 47,600 की सैलरी है, एमएससी आपने कंप्लीट किया हो। इसके बाद अगली जो पोस्टें हैं वो शायद मेडिकल की पोस्टें हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट सी की, यहाँ पे आप लोगों ने बीएससी किया होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है ऑफिस ऑफिसर इंचार्ज की, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री फार्मेसी मांगा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोला गया है कि 56,100 रुपये की सैलरी और 40 साल अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं तो मेडिकल सी की पोस्टें हैं और एक ओबीसी की वैकेंसी है, 56,100 रुपये की सैलरी है, एमएससी क्वालिफिकेशन मेंशन है। मेडिकल ई की पोस्टें हैं, यहाँ पर आपको 78,800 की सैलरी मिलना शुरू हो गई। मेडिकल ऑफिसर ई की पोस्टें हैं, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर ई की यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर एक वैकेंसी है, सेम यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर रेडियो डायग्नोसिस के अंदर दो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी हैं और यहाँ पे सारी मेडिकल ऑफिसर की अलग अलग ब्रांचेस की वैकेंसियाँ हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। आवेदन करने के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।